सीए के खिलाफ प्रदर्शनों में हुई हिंसा को लेकर केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने साधा विपक्षी पार्टियों पर निशाना, कहा दिल्ली की टुकड़े टुकड़े गैंग को सीखना चाहिए सबक। सीए विरोधियों पर सेना प्रमुख बिपिन रावत का प्रहार, कहा हिंसक भीड़ के आगे चलने वाले नेता नहीं। कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर लखनऊ जाएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, 28 दिसंबर को मनाया जाएगा स्थापना दिवस। नागरिकता संशोधन एक्ट पर प्रशांत किशोर का ट्वीट, कहा प्रदर्शन देख झुकी नहीं सिर्फ रुकी है सरकार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल सकता है पूरा गेम। तो वहीं कश्मीर में एलओसी के पास पाक की नापाक हरकत, भारत का करारा जवाब, दो पाकिस्तानी साइड। नमस्कार, मध्य प्रदेश की तमाम खबरों में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नेशन लाइव, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में बुधवार से दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ गई है। बीते कुछ सालों से 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक दर्शनार्थियों की संख्या ज्यादा रहती है। साल के आखिरी दिनों में छुट्टियों के चलते देश भर से हजारों भक्त भगवान महाकाल के दर्शन करने यहाँ पहुंचते हैं। आपको बता दें कि आम दिनों में 10 से 15 हजार श्रद्धालु आते हैं, लेकिन बुधवार को यह संख्या करीब 25 हजार तक पहुंच गई। मंदिर प्रशासन ने इसके अनुसार व्यवस्था भी तय की है, अधिकारियों को समन्वय बनाकर सुगम दर्शन व्यवस्था करने को कहा। प्रशासन ने कर्मचारियों के साप्ताहिक अवकाश पर भी रोक लगा दी है, काउंटरों पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई है। लड्डू प्रसाद की आपूर्ति बाधित न हो इसके लिए प्रशासन ने चिंतामन स्थित लड्डू प्रसाद इकाई और मंदिर की सप्लाई यूनिट का विशेष निर्देश दिए हैं। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भस्मारती दर्शन की ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था को ब्लॉक कर दिया गया है। इन दो दिनों में जिन भक्तों को भगवान महाकाल की भस्मारती के दर्शन करना है उन्हें मंदिर के काउंटर से ऑफलाइन अनुमति लेनी होगी। बढ़ते आगे, स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने बुधवार को एक एडवाइजरी कंपनी पर छापामार, कंपनी के संचालक कर्मचारी और 14 महिलाओं समेत 48 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कंपनी का संचालक और कर्मचारी फर्जी नामों से कॉल कर लोगों से लाखों रुपए महीने की ठगी कर रहे थे। इसमें संचालक, आईटी इंचार्ज, एचआई मैनेजर शामिल हैं। पुलिस ने मौके से लाखों का हिसाब, कंप्यूटर और मोबाइल बरामद किए हैं। एसटीएफ एसएसपी पदम विलोचन शुक्ला के मुताबिक रैपिड रिसर्च टेक्नोलॉजीज कंपनी के मेहता मेशन मालवा मिल के कार्यालय में छापा मारा गया। शिकायत मिली थी कि कंपनी के कर्मचारी फर्जी नामों से कॉल कर शेयर बाजार में निवेश के नाम पर निवेशकों से लाखों रुपए महीना खातों में जमा करवा रहे हैं। इस कंपनी के कर्मचारियों को संचालक अरुण श्याम खंडेलवाल ने लोगों को झांसे में लेने का प्रशिक्षण दिया था। कर्मचारियों को बताया गया था कि फर्जी नाम से कॉल करें और लोगों को लुभवाने अवसर बताकर मुनाफे का लालच दें, डिमेंट खातों के बारे में बताकर निजी खातों में रुपये जमा करवा लें। आरोपी संचालक कर्मचारियों को ठगी के मुताबिक कमीशन भी देता था। बढ़ते आगे, फेमस एक्ट्रेस आलिया भट्ट की बहन शाहीन भट्ट की किताब आई हैव नेवर बीन अनहैप्पियर इन दिनों लोगों को खूब पसंद आ रही है। इसके अलावा श्वेताभ गंगवार के दी रेडेस्ट बुक एवर और आशीष बगरेचा की डियर स्ट्रेंजर आई नो हाउस यू फील जैसी किताबें भी शहर के युवाओं में खूब पॉपुलर हो रही हैं। इन किताबों की खासियत ये है कि इनमें जीवन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की सीख मिलती है। यही वजह है कि नए साल का आगाज़ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करने के लिए इच्छुक युवा इन दिनों ऐसी ही किताबें पढ़ रहे हैं, जिससे 2020 की शुरुआत पूरी सकारात्मक के साथ कर सकें। शहर के जाने माने राइटर और हैप्पीनेस टीचर डॉक्टर गुरमीत सिंह बताते हैं कि इन दिनों हमारे देश समेत पूरी दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, ऐसे समय में ये किताबें काबिल तारीफ हैं। वहीं मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिनभर सर्द हवाएं चलती रहीं। सीहोर में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बूंदाबांदी होने की आशंका जताई है। वहीं मुरैना में कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच पारा 4 डिग्री तक पहुंचा है। वहीं ठंड से छतरपुर में 2 लोगों की मौत होने का भी अब मामला सामने आया है। मुरैना अंचल में पिछले 1 सप्ताह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड के असर का अनुमान इससे ही लगाया जा सकता है कि बुधवार सुबह कोहरे ने पूरे अंचल को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। साथ ही रात का तापमान 4 डिग्री तक चला गया, जबकि दिन का तापमान 19 डिग्री पर रहा। कोहरा भी दोपहर 1 बजे तक छाया रहा है। इसके बाद अंचल में धूप निकली, लेकिन धूप की तीव्रता अधिक नहीं थी, इसलिए लोगों को ठंड से निजात नहीं मिली। चलिए फिलहाल मेरे साथ मध्य प्रदेश की तमाम खबरों में इतना ही। आप देखते रहे नेशन लाइव। नमस्कार।